कंपेनियनशिप, ये आप और हमारे लिए महज शब्द हो सकते हैं, पर कुछ लोग इन शब्दों को मायने दे जाते हैं। मेरी दादी और बब्बा ने भी यही किया और छोड़ गए हमारे लिए एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हम आने वाली सारी जनरेशन को सुनेंगे और सुनाएंगे। स्टोरी ऑफ माई लव थॉट्स, स्टोरी ऑफ माई बब्बा एंड माई दादी। 26 अप्रैल 2021, दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। Her oxygen level dropped to 35 when we were arranging beds for her. She was put into ventilator and we were very worried for her. At the same time, we were worried ke papa, chachu and everyone has to go to the hospital in this situation. And on the morning of 27th April 2021, she was gone. Just like that. Kabhi kisi ko pareshan wo dekh nahi paati thi. To apne last moment bhi kisi ko kaise pareshan karti. बब्बा वॉज शैटर्ड विद द न्यूज। न्यूज मिलते ही उन्होंने बोला कि वो 4 दिन भी नहीं रह पाएंगे दादी के बिना। एंड ही वॉज राइट, ही वॉज गॉन 7 दिनों के अंदर विद अ हार्ट अटैक। कोविड पॉजिटिव थे बब्बा, लेकिन इम्प्रूवमेंट थी उनकी ओवरऑल रिकवरी में काफी ज्यादा। रीजन में भी he was fully vaccinated and doctors were expecting that he will recover soon. Lekin covid se to recovery ho rahi thi unki, but his heart stopped working. Aur karta bhi kaise, dadi ke paas jo tha. Dadi and babba spent some 60 years together and they never got bored of each other. In fact wo to ek hafte bhi door nahi reh paye ek dusre se, और हमें कहीं ना कहीं प्यार के सही मायने सिखा गए। द हाउस विच यू सॉ इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, वो बब्बा ने शायद 20-25 साल की उम्र में बना लिया था। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ही हैड दादी बाय हिज साइड। बब्बा बताते थे कि 5 रुपए में भी दादी ने घर की गृहस्थी चलाई थी। और हम जो ये हीर रांझा, रोमियो जूलियट की कहानियां सुनते रहते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारे घर में एक उनसे फार बेटर कहानी, एक लव स्टोरी बना रही थी। एंड दिस इज एक्चुअली नॉट अ सैड वीडियो, नो इट इज नॉट। दिस वीडियो इज एक्चुअली आई एम क्रिएटिंग टू चेरिश, टू सेलिब्रेट द लव स्टोरी विच वी हैड इन आवर हाउस, द लव स्टोरी ऑफ माई दादी एंड माई बप्पा।